स्वागत है आप सभी का ऊर्जा फिटनेस पे। आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। आज का वीडियो उन कॉमन पांच मिथ्स के बारे में है जो जिम ज्वाइन करने वाले लोगों के दिमाग में होते हैं, जो मैंने पिछले 3 साल में एज ए जिम ऑनर अपने क्लाइंट्स के दिमाग में देखे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना दिया जाए ताकि उस तरह के दूसरे लोगों को भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। लेट्स डाइव इनटू इट। सबसे पहला मिथ, जिम या डाइट बंद करने पर वापस से मोटे हो जाएंगे और कंडीशन पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएगी और सब बॉडी लटक जाएगी पूरी। कंप्लीट मिथ, 100% मिथ। अब देखिए सिंपल सा एक लॉजिक आपको बताता हूं। आपने 10वीं क्लास पास की, 10th क्लास पास की और आपने इतनी पढ़ाई की आपकी, आपने टॉप कर दिया पूरे के पूरे CBSE को, पूरे इंडिया को। अब आपने CBSE को टॉप कर दिया और उसके बाद आपने पढ़ना छोड़ दिया और अब आप सिर्फ किताबों की तरफ ऐसे देख रहे हो कि मैं 11th में भी टॉप करूंगा, मैं 12th में भी टॉप करूंगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, यू आर नॉट स्टूपिड, आई एम नॉट स्टूपिड। जब तक पढ़ाई करेंगे तब तक नंबर आएंगे, जब तक मेहनत करेंगे तब तक पैसा आएगा। इट इज सिंपल। तो जब तक हम मेहनत करेंगे तब तक हम अच्छे दिखेंगे, अगर हम जिम छोड़ देंगे तो हम अच्छे नहीं दिखेंगे। इट इज सिंपल। और कंडीशन पहले से ज्यादा बुरी नहीं होने वाली। अगर आप पहले से बुरा खाओगे तो आप पहले से बुरे हो जाओगे। इट इज सिंपल। अगर आप पहले से अच्छा खाओगे तो आप पहले से अच्छे रहोगे। फिटनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, फिटनेस इज अ लाइफस्टाइल जो आपको लाइफ लॉन्ग मैनेज करनी होती है। अगर आप अच्छा दिखना चाहते हैं, जैसे आप जिंदगी भर सुबह उठ के और शाम को पैसा कमाने में लगे रहते हैं, सेम लाइक दैट, हेल्थ इज, गुड हेल्थ इज अर्नड लाइक यू अर्न योर मनी। सो जब तक आप अपनी हेल्थ पे काम करेंगे तब तक आप अच्छे रहेंगे, अच्छे दिखेंगे, नहीं करेंगे तो आप नहीं दिखेंगे। अब लोग बोलते हैं कि अगर हम छोड़ देंगे तो हम अच्छा दिखना बंद कर देंगे। चलिए एक पर्सन की लाइफ के 10 साल ले लेते हैं। अब उन 10 सालों में से एक तो यह है कि पर्सन ये सोच के कि जिम ज्वाइन करने के बाद छोड़ूंगा तो बॉडी नहीं बनेगी, और वो पर्सन पूरे 10 साल अपनी हेल्थ को खराब ही रखता है और वो 10 के 10 साल अच्छा नहीं दिखता। एक दूसरे पर्सन की बात करते हैं जो अपनी जिंदगी में 10 साल में से 5 साल एक्सरसाइज करता है, अच्छी डाइट फॉलो करता है, फिटनेस में इन्वॉल्व है, जिम जाता है और 5 साल अच्छा दिखता है और 5 साल अच्छा नहीं दिखता। अब बताओ किसकी लाइफस्टाइल बेटर है, वो पर्सन जो 10 के 10 साल अच्छा नहीं दिख रहा है या वो पर्सन जो 5 साल अच्छा दिख रहा है और 5 साल अच्छा नहीं दिख रहा? तो दोस्तों फिटनेस में या जिम ज्वाइन करने से पहले अपने आप से इतने सवाल ना पूछें। डीप इनसाइड यू नो कि जिम ज्वाइन करना चाहिए, अच्छी डाइट फॉलो करनी चाहिए, अपनी हेल्थ पे डेली काम करना चाहिए, बिकॉज दिस इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग यू हैव इन योर लाइफ, योर बॉडी, आपका अस्तित्व इसी से है। सो डोंट आस्क दीस काइंड ऑफ स्टूपिड डम क्वेश्चंस कि जिम छोड़ देंगे तो बॉडी बिगड़ जाएगी। इट इज सिंपल। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। मुझे बल्कि बॉडी नहीं चाहिए, मुझे सलमान खान जैसा नहीं दिखना है। मेल भी बोलते हैं और फीमेल्स भी बोलती हैं मुझे बल्कि बॉडी नहीं चाहिए। दोस्तों मसल बनाने में सालों लगते हैं, सालों। यू कांट लुक लाइक सलमान खान इन अ फ्यू मंथ्स, इन अ फ्यू ईयर्स। इट टेक्स सो मच टाइम टू बिल्ड मसल्स। तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, स्पेशली फीमेल्स, आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप कभी भी एक मेल बॉडी जैसे नजर नहीं आ सकते हो जब तक कि आप परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स ना लें, बिकॉज आपकी बॉडी इतना टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस ही नहीं करती है जो मसल ग्रो करे, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल ग्रोथ। सो यू कांट एवर लुक लाइक अ मेल नेचुरली, फर्स्ट थिंग। सेकेंड मेल्स की बात करते हैं, बल्कि बॉडी नहीं चाहिए। भाई बल्कि बॉडी बनाने में सालों की मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा डाइट का ध्यान रखना पड़ता है, विच इज़ नॉट ईजी। अब इन लोगों को के लिए क्या आंसर है? देखिए बॉडी चेंजिंग प्रोसेस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे बॉडी चेंज होती है। अब जब आप उस कंडीशन पे पहुंच गए हैं कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद कि आपकी जैसी ड्रीम बॉडी थी वैसी आपने अचीव कर ली है, Now what you can do? You can manage that body. It is simple. So don't think कि आप रात को सोए और सुबह उठे और आप सलमान खान बन गए।
इट इज़ नॉट पॉसिबल, फिटनेस इस तरह से काम नहीं करती, इट टेक्स ईयर्स टू गेट अ डिसेंट फिजिक। थर्ड मिथ, ज़्यादा क्रंचेज लगाने से फ्लैट स्टमक हो जाएगा। जिम में कितना भी समझाता हूँ मैं लोगों को कि स्टिक वाली एक्सरसाइज करने से साइड फैट नहीं जाता, क्रंचेस करने से स्टमक का फैट कम नहीं होता, फिर भी लोग दिन रात फ्लोर पे बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं और क्रंचेस लगाते रहते हैं। क्रंचेस लगाने से आप अपने एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, वहाँ से फैट गायब नहीं होता है। फैट लॉस आपकी लाइफस्टाइल, आपकी डाइट, आपके हॉर्मोन्स, आपकी एक्सरसाइज, आपके ओवरऑल लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। सो क्रंचेस करने से पेट का फैट कम नहीं होता है। स्पॉट फैट रिडक्शन इज इम्पॉसिबल इन फिटनेस। आप चेहरे से, आप गले से, आप थाइस से, कहीं से या पेट से कोई भी एक्सरसाइज करके आप फैट नहीं निकाल सकते। सो कीप इन माइंड, डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन क्रंचेस। उससे अच्छा आप आधे घंटे क्रंचेस करने की जगह ट्रेडमिल पे चलेंगे तो आधे घंटे में कम से कम आपकी 150 कैलोरीज खर्च होंगी, जो आपको कैलोरी डेफिशिएंट में लेके जाएगी और उससे आपका फैट लॉस होगा। नेक्स्ट मिथ, जिम ज्वाइन करेंगे तो प्रोटीन लेना पड़ेगा और हम प्रोटीन नहीं लेना चाहते इसलिए हम जिम ज्वाइन नहीं करना चाहते। इंक्वायरीज आती हैं इस तरह की भी कि प्रोटीन तो लेना ही पड़ेगा, उसके बिना बॉडी नहीं बनती है। दोस्तों, प्रोटीन आपने अपने दिमाग में उसकी गलत इमेज बना के रखी है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर फूड सप्लीमेंट्स। अगर आप अपनी नेचुरल डाइट से सफिशिएंट प्रोटीन ना ले पाएं तो उनको सप्लीमेंट किया जाता है फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट से। तो अगर आप अपनी नेचुरल डाइट में 100 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है और 100 ग्राम प्रोटीन आप ले पा रहे हैं, देन यू डोंट नीड प्रोटीन सप्लीमेंट। सो अच्छी बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं। आप अगर अपनी डाइट से प्रोटीन कंज्यूम कर लेते हैं, देन यू डोंट नीड प्रोटीन सप्लीमेंट। सो जिम ज्वाइन करने के पहले इस तरह के सवाल आप दिमाग से निकाल दें कि आपको प्रोटीन चाहिए। फर्स्ट वर्क ऑन योर लाइफस्टाइल, योर फूड, योर डाइट, योर वर्कआउट्स, और उसके बाद में ये सब चीज़ें काउंट होती हैं। नेक्स्ट मिथ, 18 साल से पहले एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए वरना लंबाई रुक जाएगी, लंबाई बढ़ना और उल्टा पर्सन छोटा हो जाएगा हैवी वेट उठाने से। कंप्लीट मिथ। दोस्तों, लोगों ने पता नहीं क्या सोचा हुआ है कि वो अपने बच्चे, उनके बच्चे एक्सरसाइज करना चाहते हैं 14, 15, 16 की एज में, और उनके मम्मी पापा उनको एक्सरसाइज करने से रोक देते हैं कि हैवी वेट लिफ्ट करेंगे तो हैवी वेट लिफ्ट करने से ऐसे 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 प्रेशर लगेगा और हाइट छोटी हो जाएगी, हाइट नहीं बढ़ेगी। दिस इज रॉन्ग, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। बॉडी इस तरह से काम नहीं करती है। बचपन से आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हो। साइकिल चलाना इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज, हाँ, पानी की बाल्टी उठाना इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज। सो एवरीवेयर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर बर्थ यू आर डूइंग एक्सरसाइज। तो आप एक्सरसाइजेज, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस एंड जो मैंने देखा आउट ऑफ इंडिया और इंडिया के अंदर, जो सक्सेसफुल लोग हैं जो 20-25 की एज के बीच में ही फिटनेस के अंदर सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो 13-14 ईयर्स की एज से ही अच्छी वेट लिफ्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड दिस इज़ अ कंप्लीट मिथ कि वेट लिफ्टिंग से लंबाई नहीं बढ़ती है, उल्टा वेट लिफ्टिंग से लंबाई बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एक्सरसाइज करने से लंबाई बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में अच्छे हॉर्मोन, ग्रोथ हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं जो बॉडी को ग्रो करते हैं, और उससे आपके हाइट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हो सकता है आपने कुछ बॉडी बिल्डर्स ऐसे देखे हों जिनकी हाइट कम है, इसलिए आपको लगता हो कि बॉडी बिल्डिंग करने से हाइट कम होती है, बट ज़्यादा हाइट वाले भी बॉडी बिल्डर हैं। छोटी एज में एक्सरसाइज करने से हाइट रुकना बंद नहीं होती है, और पर्सन मेरे अकॉर्डिंग 14 की एज के बाद एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर सकता है, बट वो एक्सरसाइज जब करे तो उसको किसी ट्रेनर के अंडर में ही एक्सरसाइज करनी चाहिए और फुल ऑब्जर्वेशन के अंदर एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि अग्रेशन में आके वो गलत वेट ना उठा ले और उसकी फॉर्म ना बिगड़ जाए और वो अपनी बॉडी को नुकसान ना पहुंचा ले। ये किसी के भी साथ हो सकता है, 25 साल के पर्सन के साथ भी हो सकता है, 35 साल के पर्सन के भी साथ हो सकता है। तो दीज वर द 5 मिथ्स, एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं। पहला, जिम और डाइट बंद करने पर वापस से बॉडी बिगड़ जाएगी। हाँ भाई, बिगड़ जाएगी। जैसे अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो जैसे नंबर आना कम हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे। तो इट इज़ अ लाइफ स्टाइल, आपको लाइफ लॉन्ग उसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा।
नेक्स्ट है अपना, मुझे बल्की बॉडी नहीं चाहिए भाई, बल्की बॉडी एक दिन में नहीं बनती, इट टेक्स ईयर्स। नेक्स्ट, क्रंचेज मारने से बेली फैट कम होता है, स्टमक फेट कम होता है, कंप्लीट बुलशिट नहीं होता है कम। नेक्स्ट, बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट तो लेना ही पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा अगर आप सफिशिएंट प्रोटीन अपनी डाइट से ले लेते हैं। नेक्स्ट, 18 साल से पहले जिम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, दिस इज अ कंप्लीट मिथ। सो दीज वर द 5 मिथ्स जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, जनरली लोगों के दिमाग के अंदर होते हैं। आगे और बेहतरीन वीडियोज आने वाले हैं, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।